सॉफ्ट और हेल्दी मूंग दाल दही वड़ा, या जिसे दही भल्ला भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भावना और चटकारे व्यंजन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मूंग दाल के सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और ये बड़े इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्रियों की आवश्यकता लगेगी। मैंने यहाँ पर एक बॉल मूंग दाल ले ली है और जिसे मैंने धो लिया था अच्छे से और इसे 5 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। 5 घंटे के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसे अब हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार करना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह का पेस्ट हमें रेडी करना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं इसमें। और अब इसमें मैं 1 चम्मच इनो पाउडर डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इनो पाउडर से जो हमारे वड़े बनेंगे वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। और इनो पाउडर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। आप इसे चम्मच की सहायता से या बीटर की सहायता से अच्छे से फेंट लें ताकि जो हमारे वड़े बने वो काफ़ी सॉफ्ट बने। देखिए, हमारा बैटर काफ़ी फूल चुका है, तो हमारा बैटर अभी वड़े बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा, मैं यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स इसमें ऑयल में डाल दूंगी। आप चाहें तो स्पून भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल हाथ से इस तरह से वड़े डाल रही हूँ। हमें बहुत बड़े बड़े नहीं डालने हैं, एकदम छोटे छोटे वड़े हमें फ्राई करना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और हमें इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और धीरे धीरे इन्हें पलटते रहना है हमें। हमें इन्हें हल्के हाथों से पलटना है। देखिए, ये हमारे वड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। देखिए, हमारे सारे जो वड़े हैं वो रेडी हैं और अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, हमें हमारे जो वड़े हैं काफ़ी फूले फूले और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैंने इस तरह से सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं। और अब इन्हें चेक कर लेते हैं अंदर से। देखिए, काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी वड़े हमारे बिल्कुल बनके तैयार हुए हैं। अब इन सारे वड़ों को हम एक बॉल पानी में डाल देंगे और इन्हें सोक कर लेंगे 5 मिनट के लिए। हमें इन्हें ज़्यादा देर तक सोक करके नहीं रखना है क्योंकि हमारे वड़े काफ़ी स्पॉन्जी बने हैं। अब हम यहाँ पर दही की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में दही ले लिया है और इसे विस्क की सहायता से हम फेंट लेंगे। हमें दही को बिल्कुल अच्छा सा पतला फेंटना है। और अब इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हम दही को फेंटेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए दही की। और अब मैं इन वड़ों को पानी से निकाल लूँगी और हल्के हाथों से इन्हें दबाते हुए सारा पानी जो है वो निकाल लेंगे हम वड़ों में से। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमारे वड़े काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं सारे वड़ों का पानी निकाल कर इन्हें एक अलग प्लेट में रख लूँगी। मैंने इस तरह से सारे वड़ों में से पानी निकाल दिया है और देखिए, हमारे वड़े काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो चुके हैं। और अब हम इस पर जो हमने दही तैयार किया था उसे हम इन सारे वड़ों पर स्प्रेड कर देंगे। दही वड़े में जितना ज़्यादा दही होगा उतना ही दही वड़े का टेस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका नाम दही वड़ा है। तो हमें दही की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। इसके बाद इसमें मैं मीठी चटनी डाल रही हूँ और साथ में ही मैं ग्रीन चटनी, जो थोड़ी स्पाइसी भी है, वो भी ऐड कर दूंगी मैं। और अब इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दूंगी। लाल मिर्च आप आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें जीरा पाउडर डाल दिया है और साथ ही इसे अनार के दानों से गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे मूंग दाल के सॉफ्ट दही बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और ढेर सारे चटकारे व्यंजनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।